हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, तो जिसके राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो भाई चलिए इस बुक के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो इसकी जो स्टोरी है ना, वो दो पर्सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वन हु हैज रिच माइंडसेट एंड द अदर हु हैज नेगेटिव और नो रिस्क टेकिंग अप्रोच। तो इसी वजह से इसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। तो भाई चलिए आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इस वीडियो में आगे क्या क्या है, इस बुक में आखिर क्या ऐसा है जिसकी वजह से बेस्ट सेलर बुक बन गई। तो जो पुअर डैड थे ना, वो काफ़ी अच्छे थे पढ़ाई में और उनके पास पीएचडी का डिग्री थी, उनके पास एक बहुत अच्छे जॉब भी थी, सरकारी जॉब, और उनको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पुअर थे। इसका क्या कारण हो सकता है, इस वीडियो में हम पता करेंगे। और जो रिच डैड थे वो आठवीं फेल थे, वो बहुत बार फेल भी हुए और उनके पास कोई जॉब भी नहीं थी, लेकिन वो जॉब खुद बनाते थे क्योंकि उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे निकलना ये पता था, इस वजह से वो रिच थे। तो आगे की इस वीडियो पे इन्हीं टर्म्स और पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन में ऐसे पॉइंट्स और क्या क्या दिए गए हैं। जो पुअर डैड थे ना, जो इस बुक में बताया गया है उसके हिसाब से जो पुअर डैड थे, उनको हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस की यानी कि वित्तीय समस्या से हमेशा जूझना पड़ा। और जो रिच डैड थे वो अपने मतलब सॉल्यूशंस निकाल के रखते थे, वो लड़ने की क्षमता रखते थे, इस वजह से उन्हें कभी भी फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय समस्या से लड़ना नहीं पड़ा। तो ये इसका पहला पॉइंट था। डैड है उनका ये मानना है कि लव फॉर मनी यानी कि पैसे के प्रति लगाव जो है ना, वो रूट ऑफ ऑल इविल है यानी सभी बुराइयों की जड़ है। और उसी जगह रिच डैड मानते हैं कि लैक ऑफ मनी यानी कि पैसे की कमी जो है ना, वो सभी बुराइयों की जो है जड़ बन के उभरता है। अब जो पुअर डैड थे वो हमेशा कहते रहते कि मैं महंगी चीज़ों को नहीं खरीद सकता हूँ, तो इस वजह से उनके दिमाग में बस गया था कि अब मैं कर ही नहीं सकता हूँ कुछ भी, जो हार मान लेता है तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाता है। उसकी जगह जो रिच डैड थे ना, वो उनका मानना ये था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, तो इस वजह से वो कहते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। अब वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव सोच का बहुत फर्क होता है, तो उसका फायदा ये हुआ कि पुअर डैड जो थे वो हमेशा अपने बच्चे को कहते थे कि वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, सो डैट यू कैन फाइंड अ गुड कंपनी टू वर्क फॉर। ठीक है, तुम किसी ऐसी कंपनी में लग जाओगे जिससे तुम जो है अपना कमा सकोगे, रोजगार पा सकोगे। उसी जगह रिच डैड क्या कहते थे कि वर्क हार्ड सो दैट यू कैन बाई अ कंपनी एंड यू कैन क्रिएट जॉब। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी के पिता के पास अगर लिमिटेड सोर्स ऑफ अर्निंग है यानी कि गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, और किसी के फादर के पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ अर्निंग है यानी कि वो खुद का बिजनेस करते हैं या कई सारे बिजनेस उनके, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इस मामले में जो है कि पुअर डैड मानते थे कि वो रिच इस वजह से नहीं थे क्योंकि उनको अपना परिवार चलाना होता था और सारी मनी जो उनकी थी वो इन्वेस्ट हो जाती थी उसी में। तो वो कहते थे कि द रीज़न आई एम नॉट रिच इज बिकॉज आई हैव यू किड्स। और वेयर एज जो रिच डैड थे, जो कि बिजनेसमैन थे, जो अपना बिजनेस डेवलप करते जा रहे धीरे धीरे, वो कहते थे द रीज़न आई मस्ट बी रिच इज बिकॉज आई हैव यू किड्स। ठीक है, तो दोनों की ऑपोजिट अप्रोच थी, एक फैमिली को ब्लेम करते थे और एक उसी को एक पॉजिटिव अप्रोच में लेते थे कि कैसे मुझे बड़ा आदमी बनना चाहिए ताकि मैं आप लोग को और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं और अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। एक बहुत ही अच्छा फैक्ट जो इस बुक में बताया गया है वो ये है कि जब मतलब जैसे आपकी फैमिली की अप्रोच होती है ना, जैसे आपके बड़े कर रहे होते हैं उनसे देख के आप भी सीखते हो, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये फैक्टर ये था कि जब भी वो खाने की टेबल पर बैठते थे ना, तो पुअर डैड हमेशा क्या करते थे, वो कहते थे कि मुझे खाने की टेबल पर बिल्कुल भी पैसों की बात करना पसंद नहीं है, बिजनेस रिलेटेड बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जबकि रिच डैड जो थे वो बिजनेस टॉकिंग ही करते थे, वो मनी से रिलेटेड टॉक ही करते थे, कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाए या कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं, तो जो कि उनके बच्चों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता था। तो एक सोच बहुत बड़ी चीज़ है कि आप किस टाइम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपके आगे आने वाली जनरेशन या जो यूथ है उसको बहुत अच्छे से बेनिफिट करता है। अब एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि रिच डैड को रिच और पुअर डैड को पुअर बताता था वो ये था कि जब भी पैसों की बात होती थी तो पुअर डैड जो थे वो कहते थे व्हेन इट कम्स टू मनी प्ले इट सेफ, यानी कि मतलब जिस चीज को आप जानते नहीं हैं या जिस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं तो आप रिस्क मत लीजिए। पर उसी जगह पर रिच डैड क्या कहते थे, वो कहते थे व्हेन इट कम्स टू मनी लर्न टू मैनेज द रिस्क, यानी कि आप अपनी क्षमता से बाहर निकलकर चीजों को देखिए और उनसे मुकाबला करने का प्रयास करिए। अब रिच डैड रिच क्यों है, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी को एसेट मानते थे, यानी अपने हाउस इन्वेस्टमेंट्स को या जो भी वो इन्वेस्टमेंट घर पे कर रहे हैं उसको एसेट मानते थे
और पुअर डैड पुअर इस वजह से हो रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि वो जो भी घर खर्च कर रहे हैं या घर जो भी घर के काम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लाइबिलिटी के तौर पर आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एसेट और लाइबिलिटी क्या है, तो आइए चलिए देख लेते हैं कि एसेट और लाइबिलिटी क्या है। तो जो लाइबिलिटी है वो क्या है, अ पर्सन और अ थिंग डैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो आपके जीवन में बहुत सारी समस्या ला सके या इन्वेस्ट करना पड़ जाए उस चीज पर, तो वो क्या है, लाइबिलिटी है। उसी जगह एसेट क्या है, एसेट इज अ पर्सन और अ थिंग दैट इज यूजफुल टू समबडी और समथिंग। एक व्यक्ति या वस्तु है जो किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो अब जो बात आती है वो ये थी कि पुअर डैड जो थे वो अपने बच्चे को यही सिखाते थे कि स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे कैसे बनाया जाए किसी भी जगह पे अच्छी जॉब पाने के लिए। उसकी जगह रिच डैड क्या करते थे, वो अपने बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्लान कैसे लिखा जा सकता है वो सिखाते थे। तो मतलब कैसे एक अच्छा सा बिजनेस शुरू किया जा सकता है, उसकी टीचिंग उसे अर्ली स्टेज पे मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है उस बच्चे को ग्रो करना ही करना है, क्योंकि एट द लास्ट जो मायने रखता है वो है पैसा। क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब, वो लोग जिंदगी काट रहे हैं किसी तरह, और उसी जगह पर जो लोग बिजनेस खुद का कर रहे हैं ना वो लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर आपको जीना है ना तो आप लोग को बिजनेस करना ही पड़ेगा। अब हमारे यहाँ तो माना ही जाता है कि मन के हारे हार तो मन के जीते जीत, तो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए जो पुअर डैड थे ना वो तो हार मान चुके थे कि आई विल नेवर बी रिच। वो हार मान चुके थे कि वो कभी भी रिच नहीं बन सकते, वो पैसा नहीं कमा सकते। पर उनकी जगह जो रिच डैड थे वो क्या करते थे, उनका मानना था कि कैसी भी सिचुएशन हो कैसी भी क्राइसिस आ जाए उनके पास फाइनेंशियल आइडियाज रहते, तो वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते थे। तो वो जानते थे कि वो हमेशा ओवरकम कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को। अब जाहिर सी बात है पुअर डैड जो थे वो पढ़े लिखे तो बहुत थे, लेकिन किसी भी स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो नहीं दी जाती थी। तो वो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पैसा कैसे कमाना है, इस वजह से वो कभी भी पैसे में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जबकि रिच डैड जो थे वो हमेशा कहते थे कि मनी इज पावर, उनको फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत थी, वो 8वीं फेल थे लेकिन उनको फिर भी पता था कि पैसा कैसे कमाना है और पैसे से पैसा कैसे कमाना है। अब जो पुअर डैड थे वो तो चले गए, और उनके जाने के बाद जो पीछे रह गया था वो उनके द्वारा लिया गया कर्ज, कुछ बिल्स जो उन्हें पे करने थे अब वो उनके परिवार को पे करना पड़ा। और जो रिच डैड थे वो इतना पैसा छोड़ गए, इतनी दौलत छोड़ गए कि उनकी आने वाली कई पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती थी, लेकिन वो नहीं खाएंगे क्योंकि उनके पिता ने उन्हें सिखा दिया था कि पैसे से पैसा कैसे बनाना है। तो यही स्टोरी है जो बताती है कि हाउ रिच बिकम रिच मोर रिच एंड हाउ द पुअर आर गेटिंग पुअर। तो ओवरऑल रिव्यू जो बन के आता है इस इंट्रो का वो ये है कि मनी इज फॉर्म ऑफ पावर, बट वॉट इज मोर पावरफुल इज फाइनेंशियल एजुकेशन। मनी कम्स एंड गोज, बट इफ यू हैव द एजुकेशन हाउ मनी वर्क्स यू गेन पावर ओवर इट एंड कैन बिगिन बिल्डिंग वेल्थ। द ऑथर वॉज ओनली 9 ईयर ओल्ड वेन ही डिसाइडेड टू लर्न लेसन फ्रॉम हिज रिच डैड, एंड वेन इट वॉज ऑल सेड एंड डन देयर वर ओनली 6 मेन लेसन्स रिपीटेड over 30 years. This book deals with those 6 lessons of his life converted into chapters. In our next video, we'll be talking about chapter 1st of this book, which is The Rich Don't Work for Money. तो रिच जो है, रिच लोग जो है वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, ये अगला चैप्टर है इसका, इंट्रो के बाद का पहला चैप्टर है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।